दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि मंत्रा का एरिस MIS 100 V2 मॉडल का ये जो डिवाइस है उसको कैसे अपने लैपटॉप में इंस्टॉल किया जाता है, इसके थ्रू आंख को स्कैन करके आधार को डाउनलोड किया जा सकता है या फिर ई श्रम कार्ड बनाते हैं तो वहां पे आंख को स्कैन करके उसे रजिस्टर भी कर सकते हैं या फिर अपडेट भी कर सकते हैं। एक्चुअली दोस्तों इस डिवाइस को उन व्यक्ति का ज्यादा जरूरत होता है जिन व्यक्ति का उंगलियां स्कैन नहीं हो पाती हैं या फिर उनके आधार में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं होता है, तब इस डिवाइस को यूज किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और अपने लैपटॉप में कैसे इंस्टॉल किया जाता है वो सारी चीज़ें बताते हैं। दोस्तों यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें और साथ ही साथ चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों इसका ड्राइवर डाउनलोड करने के लिए मंत्रा के साइट पे जाएंगे और इसी के नाम से यानी कि MIS 100 V2 के नाम से ही डाउनलोड करेंगे। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहां पे देख सकते हैं कि यहां पे दो ड्राइवर एंड दो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने पड़ेंगे, एक 100 V2 ड्राइवर करना पड़ेगा और दूसरा RD सर्विस करना पड़ेगा। तो ये दोनों को डाउनलोड करेंगे, हमने पहले से ही डाउनलोड करके रखा है तो इसको बारी बारी से करके इंस्टॉल करते हैं। तो पहले हम ड्राइवर को इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे और फिनिश पे क्लिक करेंगे। फिनिश पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो इसे टेस्ट करने के लिए एक सॉफ्टवेयर आपके सामने पॉपअप आएगा और जो सॉफ्टवेयर हमने इंस्टॉल किया उसे फिनिश कर देंगे। तो इसको हम ऐसे क्लोज नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही रहने देंगे। अब उसके बाद RD सर्विस को इंस्टॉल करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद फिनिश पे क्लिक कर देंगे। ये दोनों ड्राइवर इंस्टॉल हो चुका है। अब क्या करेंगे कि ये जो डिवाइस है इसको लैपटॉप में प्लग इन करेंगे। इस तरह से प्लग करेंगे तो इसमें जो दो लाइटें हैं कोने में दोनों लाइटें जल जाएंगी। उसके बाद आपके सिस्टम में मैसेज आएगा, यहाँ पे देख रहे हैं डिवाइस अटैच, उसके बाद यू हैव सक्सेसफुली कन्वर्टेड डिवाइस इनटू आधार रजिस्टर्ड डिवाइस। तो ये मैसेज आएगा, दोबारा अगर लगाते हैं निकाल के अगर दोबारा इसमें प्लग इन करते हैं तो एक मैसेज आता है फ्रेमवर्क रेडी टू यूज, वो भी अगर लिखता है तभी भी इससे समझ में आ जाता है कि जो हमने डिवाइस इंस्टॉल किया है वो पूरा अच्छे तरीके से हमारे लैपटॉप में इंस्टॉल हो चुका है। तो चलिए इसको चेक करते हैं कि किस तरह से ये काम करता है। तो इसको हम एक डेमो दिखा दे रहे हैं, तो इसी के सॉफ्टवेयर के थ्रू हम अपने आप को स्कैन करके दिखाते हैं। इसको चेक करने के लिए यहाँ पे स्टार्ट कैप्चर पे क्लिक करेंगे। स्टार्ट कैप्चर पे क्लिक करने के बाद इसको हम यहाँ पे आँख पे लगाएंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं आँख पे लगाते ही ऑटोमेटिक ये आँख का फोटो कैप्चर कर लिया है। तो दोस्तों इस तरह से किसी भी लैपटॉप या डेस्कटॉप में मंत्रा एरिस MIS 100 V2 मॉडल का ये आई स्कैनर आप आराम से इंस्टॉल कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। जो एक्चुअली इसमें क्या होता है कि जो इसका सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया जाता है उसमें ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि इसका जो सर्वर थोड़ा सा स्लो इस समय चल रहा है। तो आराम से इन दोनों सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके आप आराम से इंस्टॉल कर सकते हैं जैसे जैसे हमने बताया है। उसके बाद ई श्रम कार्ड में भी यूज कर सकते हैं या फिर किसी का आधार डाउनलोड करना है तो उसमें भी यह यूज किया जा सकता है या फिर कहीं और इसका यूज आता है यानी कि जहाँ पे एरिस का या आँख स्कैन करने के लिए आता है वहाँ पे इस मशीन को यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों यह वीडियो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।